पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के गृह विज्ञान विभाग के तत्वावधान में एक दिवाली मेला फुलझड़ी का आयोजन विश्वविद्यालय कैंपस में किया गया, जिसमें विभाग की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में छात्राओं ने हस्तनिर्मित वस्त्रों एवं सामानों को बखूबी से पेश किया। स्टॉल में लगाए गए सामानों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टॉल लगाई छात्राओं ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान मिल सके, उसी उद्देश्य से हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या रानी सिंह ने कहा कि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए दिवाली मेले का आयोजन किया गया है, जिससे शिक्षा के साथ साथ छात्राएं आत्मनिर्भर भी बन सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टॉल लगाई छात्राओं और गृह विज्ञान विभाग की अधीक्षा डॉक्टर दिव्या रानी सिंह ने कहा। तुम जैसे चूतियों का सहारा, तुम जैसे चूतियों का सहारा, ये दिल तुम्हारे यार का हमारा है जो बनाया गया है। और इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है ये भी यही है कि इसे व्यावसायिक रूप दिया जाए, ताकि शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय में भी बढ़ावा हो सके। प्रीति मिश्रा सर, मैं MSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, और ये सारे दिवाली मेला के मेले के स्टॉल हमारी HOD मैम होम साइंस डिपार्टमेंट की डॉक्टर दिव्या रानी सिंह ऑर्गेनाइज करवाई हैं, और इससे हम अपना क्या कहते हैं लोगों में वो जागरूक करते हैं कि ऐसे बना के हम वुमेंस एम्पावरमेंट को भी जागरूक कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि ऐसे बना के वो आगे जा सकती हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे सारे बच्चे ही बनाए हैं। इसका उद्देश्य है छात्राओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो अपने हाथ से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं उसको साधारण से बाजार में लोगों के बीच जाकर के कैसे उसको मिल सकती हैं। क्रय विक्रय के लिए मार्केट ही सबसे बड़ा माध्यम है, और इनको एक तरह से उद्यमिता के विकास की प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है इस मेले के माध्यम से। साथ ही उनको मार्केट में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोग क्या चाहते हैं उसका भी ज्ञान इस मेले के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, बहुत सारे पठन पाठन के बाद दिवाली से ठीक पहले जो लोगों को, जैसे आपने देखा होगा मन बुद्धि बाल संस्थान से बच्चे आए हैं, तो एक पुण्य का कार्य भी है कि वो जो बच्चे दिया बनाए हैं, बेसन बनाए हैं, हल्दी बनाए हैं, जो हमारे त्योहारों में काम आएगा उसका भी स्टॉल लगाया गया है। तो
ये उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म दिया गया है जो हमारे समाज की जो प्रमुख धारा में नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको भी उस धारा में शामिल करने के लिए गृह विज्ञान विभाग की तरफ से एक छोटा सा